अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। क्या क्या दिक्कतें होती हैं नाना? हमारी दिक्कत ये होती कि हमारे बार बार घर भर जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा लेकर कहाँ जाए। हमारे आदमी परदेश में मजदूरी करते हैं, अब जब भर जाते हैं तो ना कोई सरकार सुविधा दे रहा है कि एक कॉलोनी दे दे, ना नाला हमारे द्वार से बने तो उन्हें पाटिया तक नहीं रखी है, ना हमारे द्वार में खरंजा पड़ा है। हम इतना परेशान रहती हैं घर की मुसीबतों में कि बहुत ज्यादा परेशान रहे। तो ये पानी कब भरता है आपके घर? बारिश में, जब बारिश होती है तो नाला से पानी नहीं निकल पाता है, तभी भरता है। तो आगे नाला बना नहीं है, क्या कारण है? आगे भरा, अब बना है तो आगे वारों पर हार तक नहीं बना है, बना है बीच बीच तो वहाँ पानी नहीं निकल रहा है, बस यही पानी भर रह जाता है। इस नाला से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किस तरह की गांव में दिक्कतें है? बारिश होगी जो है पानी जो है अंदर जो है जाम रहेगा, जब जाम रहेगा पानी तो जो है कच्चे घरों में जो है मतलब कच्चे घर ध्वस्त होंगे, जो है गिरेंगे, परेशानी आएगी गरीब आदमी को, परेशानी स्कूल में डर आ जाता है। इसके पहले कोई घर गिरे हैं बाढ़ से? हाँ गिरे हैं, गिरते हैं और गिरते रहते हैं जो है, या जब नाला जाम रहता है अंदर जो है पानी चला जाता है जो है घरों के, घर गिरते हैं, हर साल गिरते हैं, लेकिन उनका सब अनदेखा कि कर दिया जाता है जो है। अपने अपने दरवाजा के सामने खुद साफ करो, और यहाँ जो है नाला भी जाम हो गए और जो है कह देता है कि इतना मेरे पास लेबर नहीं है। यारा जब भर जात है वहीं लगे हाई हाई नहीं करी थे बिटिया, जब पानी भर दान भर हुए आगे नहीं जात। तो इस सब सफाई के लिए प्रधान से साफ कर थी बिटिया, प्रधान से कहो तो क्यों नहीं प्रधान करा रहा है? का कारण बिटिया नहीं करुआ बता, अपने साफ कर थी लड़का जाए, अब एक दिन कुछ वकील है तया दान कुछ हुआ भाई, नहीं तो वहाँ भीतर भर के वहाँ का जा। आज मैं तलवारी विकास खंड के सामने खड़ी हूँ, लाना गांव में विकास को लेकर मैं बातचीत करने आई हूँ। न इस मामले में वीडियो बात करता है न प्रधान, बात करने से ही दोनों लोग टकरा रहे हैं।